हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त निर्भय। और आज के हम इस वीडियो में, जैसे कि बिगिनर्स हम स्टार्टिंग में सीज के लिए, फिर मीडियम साइज की फ्लूट जो होती है सीशार बी जी, ये सब फ्लूट्स हम लेते हैं, ठीक है। तो बिगिनिंग के बाद जब हम वो अच्छे से सी स्केल की वगैरह फ्लूट बजाना सीख जाते हैं, तो बाद में हमें एक बेस फ्लूट का एक अट्रैक्शन होता है कि बाबा अभी हमें बेस फ्लूट वगैरह बजाना है। तो सी स्केल के बाद आपको कौन सी फ्लूट आइडली, एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप जा रहे हो तो आइडली आपको कौन सी फ्लूट पे शिफ्ट करना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सी स्केल अच्छे से बजा रहे हो और सारे ऑक्टिव्स, लोअर ऑक्टिव, मिडल ऑक्टिव, हायर ऑक्टिव बहुत ही अच्छी तरह से अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हो, तभी आप नेक्स्ट फ्लूट जो भी होगी उसके ऊपर आप शिफ्ट करना। आप ज्यादातर मीडियम साइज की फ्लूट बजाने के बाद जो हमारा क्रश होता है वो बेस फ्लूट के ऊपर ही होता है कि बाबा अभी मुझे बेस फ्लूट बजाना है, राइट। तो आइडली जो बेस फ्लूट हमें लाइक मुझे दी थी, लाइक मेरे फिंगर्स थोड़े से छोटे थे और ज्यादा स्ट्रेच भी नहीं थे, तो मुझे जो फ्लूट दी थी वो थी ए स्केल की। ए बेस फ्लूट थी जो कि लगभग 23-24 इंच के फ्लूट थी, राइट। तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरे फिंगर्स अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाया था और प्रॉपर तरीके से सारे होल्स को मैं कवर कर पा रहा था। तो मुझे जो दी थी वो थी ए स्केल की। उसके बाद में मैं जी शार्प स्केल पे उसको शिफ्ट किया, ए स्केल का मैं अच्छे से बजा लिया तो मैं जी शार्प पे शिफ्ट हो गया। और जी शार्प के बाद मैंने सीधा ई का, जो ये बड़ा वाला फ्लूट है मेरा, उसके ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप सी स्केल के बाद सीधा इतनी बड़ी, जो कि ये लगभग 30-27 या फिर 28 इंच की फ्लूट है, तो उसके ऊपर आप जंप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट होगा अगर आपके फिंगर छोटे हैं और स्ट्रेच नहीं है। जिनके फिंगर्स फ्लेक्सिबल है और जिनके फिंगर्स बड़े हैं वो आसानी से ये फ्लूट बजा लेते हैं। सी स्केल के बाद सीधा अगर वो ये फ्लूट ले ले तो उनको दिक्कत नहीं आती फ्लूट पकड़ने में, क्योंकि उनके फिंगर्स फ्लेक्सिबल होते हैं और थोड़े से बड़े होने के कारण वो आराम से पकड़ लेते हैं। बट मेरे वैसे नहीं थे, मेरे फिंगर्स बहुत छोटे हैं और स्ट्रेच भी नहीं थे इतने, बहुत ऐसे थोड़े से आसपास रहा करते थे। बट फ्लूट जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको थोड़ा सा मेरा जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाता चला गया, इस तरह से मुझे फिर जी शार्प मिली। तो मैं ये जो लास्ट वाला होल है उसको मैं पहले पहले अच्छे से कवर नहीं कर पाता था क्योंकि इतना ऐसे ओपन रह जाता था। तो फिर जैसे मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगी तो मैं जी शार्प भी अच्छे से कवर करने लगा। तो इस तरह से आप सीधा जंप ना करें अगर आपके फिंगर्स छोटे हैं और स्ट्रेच नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको ए स्केल, ए बेस फ्लूट या फिर ए शार्प, ये जो है ये भी आप आराम से पकड़ सकते हो बिगिनिंग लेवल पे बेस फ्लूट में। तो ए शार्प, ए स्केल, ए नेचुरल या फिर जी शार्प, इन तीनों में से आप चूज करें, ऐसा मैं कहूँगा। आप किसी फ्लूट मेकर के पास जाइए या फिर फ्लूट शॉप में जाइए, इन तीन फ्लूट को उनसे, मतलब उनको बोलिए कि ये तीन फ्लूट्स मुझे दिखाओ, और उनमें से जो भी आपको फ्लूट आइडली आपके हिसाब से, और जिस फ्लूट को पकड़ने में कंफर्टेबल हो, सारे होल्स जो है आपके फिंगर्स प्रॉपर तरीके से कवर कर पा रहे हो और आप बजा पा रहे हो, वो फ्लूट आप ले सकते हो। बट अगर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको फिर वो सब चेक करने नहीं मिलेगा, बट शॉप में जाओगे या फिर फ्लूट मेकर के पास जाओगे तो आपको बहुत सारी बेस फ्लूट जो होगी उनको चेक करने का मौका मिलेगा। अगर आपके फिंगर्स बड़े हैं, फ्लेक्सिबल है, तो आप ई स्केल, एफ स्केल की जो बेस फ्लूट्स होती है जो 28 से लेके 30 इंच तक होती है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं वो ठीक से कवर कर पा रहा हूँ, फिंगर्स मेरे आसानी से उनको कवर कर पा रहे हैं, तो फिर आप वो भी फ्लूट ले सकते हो, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप आपके जो फिंगर्स है उनके हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप लूट चूज करें, और बाद में इसी स्केल के बाद उन सारे जो स्केल्स होती है बेस फ्लूट्स होती है उनके उनके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते। तो ये था मेरी तरफ से एडवाइस आपके लिए कि इस स्केल के बाद आपको कौन सी फ्लूट पे शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, सो मैं अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।